हेलो दोस्तों, आज आपको ये जो पीसीबी है, ये जो मदर कॉम्बो बोर्ड है, तो ये 24 इंची टीवी के अंदर मैं देखा और ये पूरा डेट कंडीशन पर मेरा पास आया है। और जब मैं अच्छा करके देखा कि इसका अंदर 12 वोल्ट तो आउटपुट हो रहा है यहाँ पर, और ये पोजीशन पर कैपेसिटर थोड़ा सा फूला हुआ देखा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर को मैं चेंज किया, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो कैपेसिटर है थोड़ा सा फूला हुआ, तो ये कैपेसिटर का वैल्यू 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट का है, ठीक है। 470 25 वोल्ट, ठीक है। 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट। ये चेंज करने के बाद भी ये जो तब भी ये डेड कंडीशन पर है, इसका कुछ भी इंडिकेटर नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इसका पैनल अलग था, मैं ये अलग सा पैनल लगाया, मतलब ये बॉटम से या सेंसर ये अलग से लगाया, ठीक है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ सप्लाई देखे कि ये पूरा डेड कंडीशन पर है। देखिए, इसका इंडिकेटर इधर है, चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। मैं सीरीज लाइन से ही फर्स्ट टाइम सप्लाई देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं सप्लाई दे दिया और इसका अंदर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी वोल्टेज, ये जो इंडिकेटर इसका अंदर रेड ग्रीन इंडिकेटर है वो नहीं चल रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि इसका अंदर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो मीटर को आपको देखना पड़ेगा, मीटर को 200 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया और ये नेगेटिव मैं यहाँ से ले लिया। और इसका आउटपुट देखिए 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, ठीक है, 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। और ये जो कैपेसिटर यहाँ पर, ये नेगेटिव है और ये भी इसका सप्लाई लाइन है, इसके अंदर दोनों कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर पीसीबी के अंदर 1 कैपेसिटर ही देखा जाता है कि देखिए ये 12 वोल्ट यहाँ पर भी मिल रहा है, तो तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका आउटपुट जो LVDS का थ्रू आउटपुट पर जाता है, इसका पिन पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये पीसीबी का अंदर एक इम्पोर्टेंट वोल्टेज, कि ये जो डायोड है यहाँ पर भी 12 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डायोड है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लास्ट में क्लियर करके दिखाऊंगा कौन सा पोजीशन है। देखिए, यहाँ पर जो डायोड है, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो छोटा सा डायोड है 12 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा PF भी देखा जाता है जो ये लाइन का साथ ही कनेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो 12 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, ये जो 12 वोल्ट, यहाँ पर एक 6 पिन का छोटा सा IC है, ठीक है। ये IC का अंदर इनपुट होता है, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि इस ये IC का आउटपुट पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब तीनों पिन पर भी टच करके देख सकते हो, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए, ये PCB को उल्टा करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो, चलिए यहाँ पर दोस्तों जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का पास 12 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। बट दोस्तों, यहाँ पर अलग से छोटा सा कैपेसिटर है जिसका अंदर 5 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर भी 5 वोल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 12 वोल्ट मिल रहा है, अब मीटर पर देख सकते हो, यहाँ पर ये कैपेसिटर का पास 5 वोल्ट आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा कैपेसिटर है, ये छोटा वाला कैपेसिटर है, ठीक है, इसका अंदर। तो इसका अंदर वोल्टेज कहाँ से आता है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके एक बार दिखाना चाहता हूँ। मैं सप्लाई ऑफ कर दिया और देखिए, अभी भी वोल्टेज ये स्टोर है, तो देखना पड़ेगा कुछ टाइम का अंदर ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए अच्छा करके, यहाँ पर 6 पिन का एक छोटा सा IC है यहाँ पर, ठीक है। ये साइड 3 पिन है और ये आउटपुट 3 पिन है, तो ये कुछ भी आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है। तो यहाँ से 5 वोल्ट कैपेसिटर पर आएगा, चलिए फर्स्ट ये लाइन को ओके करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे पास इसी तरह IC नहीं है, इसका IC नंबर भी क्या है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा लग रहा है जल गया, ठीक है। तो चलिए, ये IC को रिमूव करना पड़ेगा। और ये वोल्टेज अभी देखिए 12 वोल्ट जीरो हो गया। तो चलिए, ये IC का आप हॉट एयर गन से भी रिमूव कर सकते हो,
और आप 25 वाट आयरन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं 25 वाट आयरन से इसको रिमूव कर दूंगा। तो दोस्तों आईसी का दोनों साइड को थोड़ा सा रंग लगाना पड़ेगा। रंग लगाने के बाद तो दोस्तों रंग का ऊपर सोल्डरिंग लगने के बाद तो हीट हो जाता है और वो आसानी से वो आईसी को आप ट्विजर से ओपन कर सकते हो। तो चलिए अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं ये आपका सामने आईसी को ओपन करके कैसे इसको सही किया जाता है मैं आपको देखूँगा। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं, ये जैक को हटाना पड़ेगा एक बार। तो दोस्तों ये पोजीशन से मैं आईसी को आउट कर दिया, ठीक है। आईसी को आउट करने के बाद मैं अलग से 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर इनपुट करूँगा। तो कैसे इनपुट करूँगा, कौन पोजीशन पर ये इनपुट करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पीसीबी का अच्छा करके कि ये जो कैपेसिटर है ये 12 वोल्ट ईएस का अंदर आता है। ये साइड नेगेटिव है और ये साइड पॉजिटिव है, तो ये भी 12 वोल्ट का पॉइंट है, ठीक है। और उसका नीचे ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर का पॉइंट इधर है। देखिए कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। और 12 वोल्ट अभी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो किस तरह अलग से मॉड्यूलर मैं यूज़ करूँगा, अब देख सकते हो पूरा न्यू मॉड्यूलर मेरा पास है। और चलिए ये रेड वायर माई ये इसका अंदर इनपुट है दोनों, ये रेड प्लस सप्लाई। आप 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका नेगेटिव वायर को कनेक्शन कर लेता हूँ। ये नेगेटिव कनेक्शन कर दिया, तो चलिए इतना बड़ा वायर रखने का ज़रूरत नहीं है। और यह से अलग सा 5 वोल्ट सप्लाई मैं दे दूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसके अंदर अलग अलग जो पॉइंट है ये ऊपर पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दिया क्योंकि मैं 5 वोल्ट लेना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसका आउटपुट ये दो पॉइंट है, ये आउटपुट प्लस है। ये लाइन पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है। और कैपेसिटर का जो 12 वोल्ट सप्लाई है उसका अंदर से सप्लाई लेना पड़ेगा, तो आपको सही से देखना पड़ेगा कि ये साइड 12 वोल्ट मिल रहा है। 12 वोल्ट मैं कनेक्शन कर दिया यहाँ पर, और ये नेगेटिव वायर को मैं कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद एक बार देखूँगा कि यह से 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। मीटर को डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई दे दिया और ये नेगेटिव है, और यहाँ पर आउटपुट देखिए 4.9 मतलब ये 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ठीक है। चलिए सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव साइड किधर है, ये साइड है। यहाँ पर मैं कनेक्शन किया और चलिए पैनल को भी एक बार लगाना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा कि इसका अंदर इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया, इसका रेड इंडिकेटर देखिए यहाँ पर जल रहा है। तो रिमोट से स्टैंड बाई हो रहा है, ऑन हो रहा है कि नहीं, एक बार रिमोट दबा के भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं रिमोट लेके, ये रिमोट है, देखिए दोस्तों रिमोट दबाने के बाद इसका इंडिकेटर ऑन हो गया, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन हो गया। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज एक बार देखना पड़ेगा कि ये पीसीबी का एलवीडीएस पॉइंट है। तो अब मीटर पर फॉलो कीजिए दोस्तों, देखिए इसका 12 वोल्ट अभी आ रहा है, मतलब ये पीसीबी पूरा ऑन कंडीशन पर अभी है, ये ऑन हो गया। अब देख सकते हो इसका इंडिकेटर अभी चल रहा है। तो और क्या बताऊंगा, ये जो पीसीबी का इसी कंडीशन पर, तो दोस्तों अलग सा टेक्नीशियन, बहुत टेक्नीशियन पूरा पीसीबी को ही चेंज कर देता है। बट ये दोस्तों छोटा सा एक मॉडलर यूज़ करके आप कुछ भी मॉडलर यहाँ पर यूज़ कर सकते।